हेलो दोस्तों, तो ऐसे सीपीयू का फिज़िकल की डेट आ गई है और किस किस रीज़न की आई है अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये ईस्टर्न रीज़न है, इसकी फिज़िकल की डेट आ गई है, और कर्नाटक रीज़न है, इसकी भी आ गई है। तो इन दो रीज़न की आ गई है। बाकी देखो मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये देखो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो फिज़िकल है, PST जो जिन छात्रों का होना उनकी PDF वगैरह आपने देख ली होगी, वो तो वहाँ पर ये मिल जाएगी। ये PST के लिए को लेटर है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंटर, इस पर जब क्लिक करते हैं तो उन छात्रों के नाम आते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है, बाकी उन छात्रों का नाम आता है जो जिनको PST देना है। ये तो कौन सा रीज़न है, इस रीज़न वालों का, यह जो ईस्ट रीज़न है उनका, और कर्नाटक रीज़न है उनका भी आ गया। देखो ये देखो, यहाँ भी दे दिया फिजिकल। एक मिनट, गलत खुल गया। ऊपर देखो, क्लिक हियर टू नाउ, ये ऊपर वाला देखो, इनका भी आ गया है। और अब कर्नाटक केरला रीजन का आ गया, और साउथर्न रीजन इनका नहीं आया। बाकी एक दो दिन में सब का आ जाएगा, इनका एक का भी नहीं रहेगा, सबका आ जाएगा बहुत जल्दी। और इतना जल्दी हुआ है तो बहुत जल्दी हो गई। तो अब देखो आपको बता देता हूँ कि इन्होंने ये जो दे रखा है, ये इसमें अब आपको क्या करना है कि एक मिनट, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो लिस्ट खुल रही है। इनका PST होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है, और यहाँ क्या दे दिया, या फिज़िकल होना है। अब पता नहीं ये पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं या फिज़िकल करा रहे हैं, PST PET है ना, तो ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा इनका क्या इरादा है, अभी ये चीज़ क्यों बोली। और साथ ही साथ मैं दिल्ली पुलिस के लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी अभी इसी समय मस्ट है, वो चेक किया जाएगा। तो ये भी इन्होंने दे दिया है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, गलती से लिखा है या फिर ये सही में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा, अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है। बाकी PST के वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, उस समय एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद में आपका ये जो PST फिजिकल है वो हो जाता है, जो है रनिंग वगैरह वो सारा हो जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नाम है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बाकी कंफर्म हो जाएगा, वेट कीजिए आप एक दो दिन। इसी चैनल पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जितना जल्दी होगा उतना अपडेट आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी और जितना भी रीज़न है, आप लोग क्या करना, सब बेस्ट तैयारी करो अपना, एकदम जी जान लगा के दिन रात लग जाओ, क्योंकि इतना जल्दी ये आ गया ना, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत कम छात्र ये जो फिज़िकल क्वालिफाई करेंगे, आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका ये है। अभी अगर फिज़िकल क्वालिफाई कर लिया आपने तो आप समझ लो कि 80% आपकी जॉब लग गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो छात्र BSF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है, जो कि आपको जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, 2350 बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी एक प्रैक्टिस सेट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपका इनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, और ये एग्ज़ाम नवीनतम जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक चूज करना है, तो ये हिंदी, ऊपर इंग्लिश, उसके बाद में रीजनिंग, GK, सारा का सारा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो आपको मार्केट में बुक अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हो।